हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिजाइन पुल में। आज मैं आपके साथ एक स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन शेयर करने जा रही हूँ। मैंने अस्तर का बैक पार्ट का अस्तर कटिंग कर दिया है। इसकी लंबाई 13.5 इंच है, चौड़ाई 10 इंच के बराबर रखी है। शोल्डर की चौड़ाई 7 इंच के बराबर में 7 इंच और आर्म होल जो रखा है वो 6 इंच है 6 इंच। ये देख लीजिए, पूरा मेजरमेंट मैंने करके दिखा दिया है। अब इसके साथ में मैं गले की डिजाइन का मार्क करूंगी। ऊपर की साइड से 3.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे, 3.5 इंच देख लीजिए, और नीचे की साइड से भी सेम लेंथ लेंगे। तो 3 इंच इसकी लेंथ रख रहे हैं, 3 इंच के बराबर इसकी लेंथ रखनी है, 3.5 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। दोनों को एक बराबर में लाइन में ड्रॉ कर देंगे दोनों साइड से। ये देखिए, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी 1 इंच का। इसके कॉर्नर में एक मार्किंग करेंगे, फिर इसका बोट नेक का मार्क कर लेंगे। तो ऊपर की साइड में मैंने देखिए हल्का सा बोटनेक में मार्क कर दिया। नीचे का डिजाइन का मार्किंग करेंगे, तो बीच में देखिए 2.2 इंच एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 2.2 इंच समझ में आ गया होगा आपको। 3.5 इंच चौड़ाई रखेंगे इसकी भी, तो मार्क कर लेते हैं ऊपर नीचे, इससे चौड़ाई इक्वल आए दोनों साइड से। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे बराबर में, ऊपर की साइड से बराबर में लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। 1 इंच का कॉर्नर से एक मार्क कर देंगे, इससे डिज़ाइन का मार्क करने में इजी रहेगा। अब यहाँ से देखिए 1 इंच का मार्क कर दिया मैंने। यहाँ से अच्छे से लाइन को ड्रॉ कर देंगे राउंड में बिल्कुल। ये दोनों साइड से जो मार्किंग की है इसी मार्क के ऊपर से इसकी कटिंग भी कर देंगे अस्तर पे ही डिज़ाइन को। कि मैंने देखिए कटिंग इसकी कर दी है। अब इसके साथ में फैब्रिक लेंगे, तो मैंने देख लीजिए ये फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक को भी इसकी बराबर में सेम कटिंग कर देंगे। तो मैंने ये फैब्रिक ले लिया, फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड करके अस्तर का पार्ट रख के इसके बराबर में पूरी फैब्रिक को कट करके निकाल लेंगे। अब देखिए फैब्रिक कट चुका है। अब इसके ऊपर डिज़ाइन करने के लिए मैंने पहले इसको बराबर में पिन कर लिया, इसे कटिंग करने में आसानी रहेगी। तो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट कट करके फैब्रिक का निकाल दिया, दोनों को इक्वली रख लेंगे। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो पहले इन दोनों पार्ट को एक दूसरे के साथ में मिलाते हुए साइड साइड से सिलाई लगाते हुए अच्छे से इसकी ऑल राउंड स्टिचिंग कर लेते हैं। इसी तरीके से सबसे पहले ऊपर की गले की स्टिचिंग करेंगे, फिर नीचे की साइड के गले की स्टिचिंग कर लेंगे। तो पहला जो स्टिचिंग रहता है वो पहले हमें गले की करनी रहती है, पहले गले कर लेंगे, इसके बाद साइड साइड की स्टिचिंग की जाती है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए अब तक। पहले आपको गले की स्टिचिंग करनी है, फिर इसके बाद साइड साइड से फैब्रिक को दोनों मिलाना है दोनों पार्ट को। तो मैंने देखिए कंप्लीटली पूरा ऑलराउंड स्टिचिंग इसकी कर दी है। नीचे की साइड इसके टक्स लगाएंगे इक्वली, दोनों साइड से ही होनी चाहिए टक्स, दोनों साइड से बराबर में ही टक्स लगनी चाहिए। एक साइड से लगा दिए, इस तरीके से दूसरे साइड से माप लेते हो, फिर टक्स को इसी बराबर में ही टक कर लेंगे, अच्छे से स्टिच कर लेंगे। ये स्टिच मैंने दोनों साइड से टक्स की स्टिचिंग कर ली है। नीचे का बॉर्डर बनाएंगे, उसके लिए मैं अस्तर का फैब्रिक अलग से यूज़ करूँगी। इसको पहले साइड रखेंगे। अभी मैं डिज़ाइन करने के लिए बकरम की कटिंग की हूँ, कि जो बीच में से फैब्रिक नीचे के साइड वाला पार्ट का जो था कटिंग होकर निकला था उसको लेके मैंने उसकी बराबर में मार्किंग करके 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करके कटिंग कर ली है बकरम की। अब बीच की इसकी कटिंग कर लेंगे, तो आपको समझ में, नीचे का जो गला था उसी बराबर में आपको ये बकरम की कटिंग करनी है, 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है इसमें। इसको साइड रखते हुए फैब्रिक लेनी है, फैब्रिक के साथ में इसको अटैच कर लेंगे। पहले अच्छे सिलाई लगाते हुए दोनों साइड से इस पर फैब्रिक के साथ में इसको अटैच कर देंगे। अब इसमें से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकालेंगे, नीचे की साइड से थोड़ा सा फैब्रिक अभी एक्स्ट्रा ही रखेंगे, क्योंकि इसको फोल्ड करके स्टिच भी करनी है, और अंदर की साइड में बिल्कुल बराबर में कटिंग करके निकाल देंगे। अब देखिए ये कटिंग होने के बाद ये आ चुका है पार्ट, इसके साइड साइड से फोल्ड करते इसको स्टिच कर लेंगे। तो बाहर वाले पार्ट को देखिए मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ, इसी तरीके से फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लीजिएगा। देख लीजिए मेरा ये बकरम वाला डिज़ाइन बनकर तैयार है। इसको पहले साइड रखेंगे, और मैंने अभी ब्लाउज ले लिया है। ब्लाउज का नीचे का बॉर्डर बनाने के लिए अस्तर की अलग सी पट्टी ले ली है। इसको ब्लाउज गले के नीचे की साइड से पहले अटैच कर देंगे।
और एक्स्ट्रा कटिंग करके निकाल देंगे अभी, और इसको जो फैलाएंगे उसके ऊपर से एक सिलाई लगाते हैं, उसकी पूरी फिनिशिंग की स्टिचिंग कर लेंगे। फिर देखिए इसको डबल फोल्ड करके ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करेंगे, सिलाई लगा के अच्छे से स्टिच कर देंगे। इस तरीके से नीचे का बॉर्डर एक पार्ट का बन जाएगा, दूसरे साइड का जो पार्ट है उसको भी सेम ऐसे नीचे का बॉर्डर बनाना है आपको। तो एक देखिए पार्ट मैंने बना के दिखा दिया, दूसरा भी सेम बना लेंगे इसी तरीके से। तो दोनों साइड का बन चुका है, देख लीजिए। अब इसको पहले मैं ऊपर की साइड का डिज़ाइन करूँगा, गले को बनाऊंगी, तो इसको पहले साइड रखेंगे और एक पट्टी लिए स्ट्रेचबल है, क्रॉस में कटिंग करेंगे तो स्ट्रेचबल फैब्रिक आएगा। तो इसको आपको डबल फोल्ड करके फिर साइड से सिलाई लगा के दोनों पार्ट को एक दूसरे के साथ में अटैच कर देना, इससे पाइपिंग की जाएगी। तो इसको पहले साइड रख के अब ब्लाउज ले लेंगे, और गले के ऊपर की साइड से जो भी पट्टी बनाई है इसको बराबर पहले अटैच कर लेंगे। तो मैंने देखिए इसको अटैच कर दिया, एक्स्ट्रा कट करके निकाल के फिर राउंड करके पतली सी पाइपिंग बनाएंगे, पाइपिंग को अच्छे से स्टिच कर लेंगे। तो मैंने देखिए पाइपिंग को अच्छे से स्टिच कर लिया, पाइपिंग के साइड में जो फैब्रिक है इसको भी सिलाई लगा के अच्छे से स्टिच कर लेंगे। कि देखिए ऊपर का गला बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। नीचे का गले की डिज़ाइन करेंगे, उसके लिए मैंने फैब्रिक की पट्टी कट की, इसकी लंबाई देखिए 20.5 इंच रखी है 20.5, और चौड़ाई 7.5 इंच के बराबर रखी है। इसको पहले साइड से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से राउंड में फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अगर आप चाहें तो इस साइड से आप पीको भी कर सकते हैं, जिसको इंटरलॉक बोलते हैं, इंटरलॉक कर देंगे तो भी ये बराबर में इस तरीके से डिज़ाइन बनाने के लिए बन जाएगा। तो मैंने ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दिया है, जिसके 3 साइड से सिलाई लगाना है, 1 साइड से वैसे ही छोड़ देंगे। अब एक साइड से देखिए इस तरीके से सिलाई लगा देंगे तो ये फैब्रिक थोड़ा थोड़ा सिकुड़ जाएगा, ये थोड़ा फ्रिल में आ गया है। ये फैब्रिक सिकुड़ने के बाद इस तरीके से बना लेंगे, फिर इसको साइड रख के अब ब्लाउज लेंगे, और ब्लाउज के नीचे वाले गला जो है उसके बिल्कुल नीचे के साइड से इसको अटैच करना है। वीडियो में देखिए कैसे मैं अटैच कर रही हूँ, इसी तरीके से पट्टियों को दोनों को अटैच कर लीजिएगा दोनों साइड से। एक साइड से मैंने स्टिच कर लिया, इसी तरीके से दूसरे साइड से पट्टी को ज्वाइन कर देंगे। अब जो मैंने अभी बकरम वाली डिज़ाइन बनाई थी उसको इसके साथ में अटैच करना है। पहले इसका बीच का पार्ट ले लेंगे ऊपर वाला बिल्कुल, और ऊपर में एक छोटा सा कट लगा देंगे, इससे बीच वाला पार्ट पता चलता रहेगा। तो बिल्कुल छोटा सा कट लगाइएगा, अगर आप चाहें तो मिल्टन चौक से मार्क कर सकते हैं। अब इसको बिल्कुल बीच का पार्ट कर लेंगे, फोल्ड करके छोटा सा कट लगाएंगे, दोनों कट को मिलाते हुए यहाँ सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो में देखिए क्लियर समझ में आ जाएगा। ये देख लीजिए मैंने अच्छे से इसको स्टिच कर दिया एक साइड से, दूसरे साइड से भी इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसी तरीके से सिलाई लगा के स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड से सिलाई लगा के स्टिचिंग करने के बाद नीचे के पार्ट में इसको फोल्ड करके थोड़ा सा स्टिच करेंगे। सबसे पहले तो पहले इस पर छोटा छोटा कट लगा लेते हैं। तो कट लगाने के बाद देखिए मैंने अच्छे से इसको फिर इसको अब साइड से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा के स्टिच कर देंगे। तो इसी तरीके से दोनों साइड से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे सिलाई लगा के। अब इसको देखिए पलट कर नीचे के साइड से फोल्ड कर लेंगे, फिर सिलाई लगा के उसको अच्छे से पूरा स्टिच कर देंगे। बिल्कुल कॉर्नर से नहीं सिलाई लगाना है, बीच में थोड़ी सी गैपिंग रखना है 2 पॉइंट जितना, फिर सिलाई लगाना है। अब उसी के ऊपर डेकोरेशन इसकी करेंगे, जो सिलाई लगाए उसी के ऊपर फिर डेकोरेट करना है। अब चलिए डेकोरेट करके दिखाते हैं। तो डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ मोती यूज़ करूँगी, इसको स्टोन्स भी बोलते हैं, आपको ये मार्केट में मिल जाएगा इसलिए। और ये फैब्रिक ग्लू है, पहले फैब्रिक ग्लू को थोड़ी थोड़ी गैपिंग देते हुए, पॉइंट भर के जितना गैपिंग देते हुए, और इस तरीके से देखिए इन जो स्टोन्स है छोटे छोटे स्टोन्स में यूज़ कर रही हूँ उनको इस तरीके से पिन की हेल्प से, या फिर आप जो माचिस की तीले आते हैं उनकी हेल्प से भी इनके ऊपर से इस तरीके से चिपका सकते हैं। तो मैंने देखिए सबको ऐसे ही चिपका दिया है पूरे गले पे। जो सिलाई लगाई थी सिलाई के जस्ट ऊपर से इसको मोतियों को लगानी है। अब ऊपर के साइड भी जो सिलाई लगाए थे सिलाई के ऊपर से ही बिल्कुल ग्लू को पहले छोटे छोटे इस तरीके से बूंदों में रख लीजिएगा, फिर उसके ऊपर मोतियों को चिपका देंगे।
इसी तरीके से मैंने पूरे गले की डेकोरेशन देखी, दोनों साइड से कर दिया। मेरी ब्लाउज डिजाइन देखी बिल्कुल कम्प्लीट, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है, मेरी खुद की ब्लाउज है। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये डिज़ाइन कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन साथ, जैसा ब्यूटीफुल सिंपल और स्टाइलिश हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।